चलिए, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली जिस चीज का आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे वो चीज जो है आपके सामने आ चुकी है। इंतजार की जो घड़ियां हैं वो आपकी खत्म हो चुकी है, राइट? सब ऐसी कौन से वाली चीज थी? हम इंतजार तो बहुत सारी चीजों का रहता है, लेकिन आज कौन सी चीज है जो आप हमारे सामने लेके आ रहे हैं? तो जैसा कि आपको यहाँ पे पहले ही पेज पे दिखाई दे गया होगा कि हम यहाँ जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका कंपनीज एमेंडमेंट एक्ट 2019। बराबर है, आपको ये अच्छे से ध्यान होगा कि 2018 में ऑर्डिनेंस जो है वो पास हुआ था, 2019 में भी ऑर्डिनेंस जो है वो पास हुआ था, राइट? और ऑर्डिनेंस जो है वो यूजुअली तब पास होता है जब आपका पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होता, राइट? लेकिन सर उसके बाद में ऑब्वियसली बात है कि कभी ना कभी तो सेशन में बैठा होगा, तो जो ऑर्डिनेंस में पास किया गया था उसको यहां पे क्या किया, एक्ट के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर दिया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले हां जी सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब यहां एक और इंपॉर्टेंट वाली बात, बोले वो क्या सर? बोले हमारा जो एग्जाम है ना वो आने वाला है जून 2020 के अंदर। कब है बेटा आपका एग्जाम? एग्जाम है आपका जून 2020 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम यहां अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा डायलेमा ये होता है कि आखिर कब से लेके कब तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं एज पर द ICSI गाइडलाइंस, ठीक है। तो ध्यान से सिंपल सी बात अगर मैं यहां पर करूं तो कह सकता हूं कि 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक के, ठीक है, ये जितने भी अमेंडमेंट्स इस टाइम पीरियड के बीच में आए होंगे वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होंगे बेटा, एप्लीकेबल होंगे। तो उनको हमें यहां रेफर करना, उनको हमें देखना, उनको समझना जो है वो हमारे लिए काफी मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल हम जो अमेंडमेंट्स कवर करेंगे वो इस टाइम के बीच के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको हम यहां पे कवर करेंगे। बोले ठीक है सर, लेकिन उसके बाद में पॉइंट ये आता है कि सर ये जो वीडियो है ये आखिर किन किन लोगों ने देखना जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट से जुड़े हुए या फिर कौन से लेवल से जुड़े हुए लोगों का देखना जरूरी है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बता दूं आपको कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के अंदर हैं, बराबर है, CS एग्जीक्यूटिव जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके लिए एक अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है, राइट, काइंड ऑफ एक एहसान जो है वो हमारे ऊपर कर दिया गया है। चलिए एक अटेम्प्ट और हम यहां पे देख के देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा मतलब इसमें तो कोई दोराय ही नहीं है, CS एग्जीक्यूटिव का जो न्यू सिलेबस है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बराबर है। लेकिन हाँ एक बात और, क्या कि जो बात ओल्ड सिलेबस के अंदर सिर्फ कंपनी लॉ में दी हुई थी वही वाली बात अगर आप न्यू सिलेबस की बात करते हैं तो वो कंपनी लॉ में तो दी हुई है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका SBEC नाम का सब्जेक्ट है उसमें भी स्टार्टिंग में कुछ बातें जो है वो कंपनी लॉ से जुड़ी हुई दी हुई है, बराबर है। तो इवन अगर आप न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ या फिर SBEC दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ऑल दो दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं तो लाजमी सी बात है कि दोनों ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट जो है ये आप दोनों के लिए क्या रहेगा, काम का होगा। एंड फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप CS प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में है, बराबर है, जिसके अंदर एक डायरेक्ट सब्जेक्ट आपका आता है कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ जिसका नाम दिया जाता है क्या, एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस, बराबर है। तो ये इतने बच्चे रहेंगे जिनके लिए डायरेक्टली ये अमेंडमेंट जो है वो काम के होंगे। बट क्या बोलना, सीधी सीधी बात भाई साहब, जैसे ही वर्ड आता है कंपनी लॉ, जैसे ही वर्ड आता है कंपनीज एक्ट 2013 और जैसे ही वर्ड आता है द अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013, तो जब आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हो तो भले ही कौन से भी लेवल पे रहें, भले ही न्यू सिलेबस में हो या फिर ओल्ड सिलेबस में हो, ये चीज जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है कहीं ना कहीं। या तो शायद GRMC में जाके कहीं कनेक्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि SACMDD या फिर CRIWL कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट, ये पक्का हो रहा है क्योंकि वाइंडिंग अप वगैरह जो उसमें भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हैं,
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स है ये अपन यहां पे कवर करेंगे। एंड सजेशन मेरा ये होगा कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव के सॉरी सीएस प्रोफेशन सीएस फ्रेटर्निटी जो अपनी है उसके किसी भी लेवल से जुड़े हो आपके लिए ये अमेंडमेंट जो है वो देखना जरूरी होगा। गॉट द पॉइंट। एंड इस अमेंडमेंट का ये पहला पार्ट रहेगा, इसमें मैक्सिमम कवरेज जो है वो करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो उसके लिए पार्ट टू जो है वो भी आएगा, राइट। और वो पार्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन वहां दिया हुआ है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही पार्ट टू आए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पे देखना शुरू कर दें। क्यों सर? कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम जो है वो निकल जाते हैं, फिर बच्चा कहता है सर इस बार तो आपने अमेंडमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर मैं उसको कहता अरे बेटा कौन से सस्ते नशे करके बैठे हो आप, बराबर है, ये तो मैं कब का रिकॉर्ड कर चुका हूं, बहुत पहले रिकॉर्ड कर दिया था 3-4 महीने पहले आपने। अच्छा सर मेरे को पता ही नहीं चला। कैसे चलेगा जब आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा। गॉट द पॉइंट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप यहां पे कर लीजिएगा। गॉट इट डन। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अमेंडमेंट्स के बारे में। ये जो अमेंडमेंट्स है मैं सीधे के सीधे जो नोटिफिकेशन दी गई है उसी में से पढ़ा रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट वाली बात, जैसा मैंने आपसे कहा क्या कि ऑर्डिनेंस जो है पहले दो पास हुए थे उनको हटा के एक्ट जो है वो ला दिया गया। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ ऑर्डिनेंस के हिसाब से ऐसा किया गया था कि कुछ जो सेक्शंस थे उनको 2nd of November 2018 से ही एप्लीकेबल कर दिया गया था। 2nd of November 2018 से ही एप्लीकेबल कर दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने दिसंबर 19 तक जो अमेंडमेंट क्लासेस अपन ने करी होंगी उसी में ही चीजें जो है वो कवर हो गई, राइट। लेकिन हाँ उसके बाद में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स वगैरह हैं जो कि एप्लीकेबल जो है हो रहे हैं 15th of August 2019 को या उसके बाद से। कब से बेटा? डेट सिरे ध्यान रखिएगा, कोई एक आधा बीच में आएगा जिसमें डेट कुछ और लिखी हुई होगी, अदरवाइज डेट आपकी यही वाली है। कौन सी? 15 अगस्त आजादी का वो दिन, ठीक है, लेकिन 70 साल के बाद 2019 के अंदर। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सब समझ में आ गया। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये कब से आया बेटा? 31 जुलाई 2019 से आया। अंडरस्टूड? यानी कि जो आपका ये एक्ट है जो नोटिफिकेशन यहां पे दिया गया है वो कब से दिया गया? 31 जुलाई 2019 से ये दिया गया है। तो इसको अपन यहां सीधे सीधा कवर करते हैं जिसमें कि पहला वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम पास किया हुआ है कि इस सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से उस सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से, तो यहां तक का ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, यहां पे जो जो मैं चेंजेस कर रहा हूं जो जो मैं लिख रहा हूं वो पूरा लिखा हुआ पार्ट जो रहेगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाला जो रहेगा उसमें लिंक के तौर पर मिल जाएगा ताकि कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नया है कौन सा पुराना है उसका पूरा का पूरा चीज जो मैंने देखी यहां पे चेंज किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा चीज जो है वो आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी पेज पे मैं इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो भी करूंगा, तो पूरा का पूरा जो काम किया हुआ रहेगा वो आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक जो रहेगा उसके अंदर आराम से मिल जाएगा। गॉट इट डन। चलिए बेटा बढ़ते हैं और ध्यान से यहां पर देखते हैं। अगर सबसे पहले मैं इस अमेंडमेंट की बात करूं तो यहां पे कुल मिला के 11 पेजेस के अमेंडमेंट जो हैं वो दिए हुए हैं, राइट। ये सीधा हमने एमसी की जो वेबसाइट है वहीं से सीधा डाउनलोड किया है और जैसे ही यहां पे बोलते हैं 11 पेज के अमेंडमेंट्स हैं तो बच्चे पैनिक करना शुरू कर देते हैं बिना पढ़े, देखते नहीं उसके अंदर जाके कि आखिर ये कौन से वाले अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अभी हमें यहां दिखाई देगा कि इनमें से जो मैक्सिमम अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी 2nd of November 2018 को आ चुके थे जो कि जून 19 के लिए भी एप्लीकेबल थे और दिसंबर 19 के लिए भी एप्लीकेबल थे, मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो हम कहीं ना कहीं, राइट। काफी ऐसे भी अमेंडमेंट्स होंगे जो कि 15 अगस्त 2019 से आए हैं, उनको हमें ध्यान से देखना जरूरी होगा, ठीक है। तो जो भी 2nd November 2018 के होंगे उनको अपन फटाफट स्किप करते चलेंगे क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, और जो भी 15 अगस्त 2019 के हैं उनको प्रॉपरली पढ़ के समझ के कंपेयर करके इंटरप्रेट करने का काम जो है वो हम यहां पे करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला यहां पे आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशंस के बारे में होता है उसके
क्लॉज नंबर 41 में चेंज किया गया था, लेकिन पॉइंट क्या आया कि 2 नवंबर 2018 को किया गया था। ये अपने को पहले से पता है। सर क्या चेंज आया था इसके अंदर? बहुत सिंपल है, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को कहा गया था कि सर अगर बोले आपका जो साल है वो अप्रैल से शुरू होके मार्च पे खत्म नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा बोले हमको चलेगा। ऐसा कहा, सीधी सीधी बात, नॉर्मल। ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए सेक्शन नंबर 10 के बाद में एक नया सेक्शन यहां पे ऐड किया गया था जिसका नंबर था सेक्शन 10A, बराबर है, जिसमें कि किसकी बात की गई है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करी गई है। इसका बकायदा इंटरप्रिटेशन के साथ में वीडियो जो है वो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। और जैसे ही आपका, जैसे मान लीजिए दिसंबर 19 के लिए जो हमने अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड किए थे उसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है। सर कहां है नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वापस से मिल जाएगा, ठीक है, डन, ताकि आपको बहुत ढूंढना ना पड़े। तो देखिए पूरा पेज मैंने मार्क कर दिया है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस वाले की बात करते हो तो सेक्शन नंबर 12 में जो सब सेक्शन 8 अमेंड किया गया था वो भी आपका पहले का ही था। फिर ये सेक्शन नंबर 14 ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल, ये 2 नवंबर का नहीं है, सॉरी, इसको 15th ऑफ अगस्त का है, ये 15th ऑफ अगस्त 2019 का है, ठीक है। तो ये अपन यहां पे पढ़ते हैं, क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स सेक्शन नंबर 14। इसमें यहां कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो किए गए, क्या है ध्यान से सुनिएगा। सर बोले जो आपका सबसेक्शन 1 है, सेक्शन नंबर 14 में सबसेक्शन 1 दिया हुआ है, ठीक है, द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, उसमें जो प्रोविजो दिया हुआ था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या लिखा वहां पे, लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है, एनी ऑल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। मतलब अगर बोले आप अपनी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन कर रहे, कौन सी कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि पहले एक पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, बट अब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 के जो रिस्ट्रिक्शन है, 3 कंडीशंस, वो आप इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बोले वो वैलिड नहीं होगा अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का अप्रूवल जो है वो बोले यहां पे लेना पड़ेगा। अगर इसी चीज की बात करूं तो पहले ये अप्रूवल किससे लेना पड़ता था, ट्राइब्यूनल से लेना पड़ता था। किससे लेते थे बेटा, ट्राइब्यूनल से, ये जो परमिशन है वो लेनी पड़ती थी, ठीक है, जिसकी जगह कौन आ गया है, सीजी। सीधी सीधी बात यही है, बस यही छोटा सा अमेंडमेंट है। लेकिन साथ में एक बात और इस प्रोविजो के थ्रू कही गई है कि सर जो केस ऑलरेडी एनसीएलटी के पास में चल रहा होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, या फिर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, तो ऐसे केस में वो केस एनसीएलटी के पास में ही चलेगा, उसको सीजी के पास में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। तो सीधा सीधा यही यहां पर बोलना चाह रहे थे, ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगले पॉइंट पे यहां पे आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला पॉइंट जो है वो यहां पे आता है जो कि सेक्शन नंबर 26, सर सेक्शन नंबर 23 से लेके 42 प्रोस्पेक्टस की बात करता है, प्रोस्पेक्टस एंड द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता है, बराबर है। उसमें से 26 जो कि स्पेसिफिकली किसके बारे में है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस के बारे में, बराबर है। इसमें एक चेंज आया जो कि 15 अगस्त 2019 से है। क्या चेंज है सर ध्यान से, सब बोले सेक्शन नंबर, सॉरी सब सेक्शन नंबर 4, 5 और 6, 3 सबसेक्शन है, किसमें, सेक्शन 26 में, वहां बोले रजिस्ट्रेशन वर्ड को हटा दीजिए और उसकी जगह क्या वर्ड यूज करना है, फाइलिंग वर्ड को यूज करना है। बहुत ही सिंपल सा यहां पे चेंज, क्या रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, क्या होना जरूरी है, फाइलिंग होना जरूरी है। क्या मैं बोल सकता हूं फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन एक ही मतलब है, नहीं, रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आरओसी ने उसको क्या कर लिया होगा, एक्नोलेज कर लिया होगा, और फाइलिंग कब होता है, सर हमारे यहां से काम हो चुका है, आरओसी ने एक्नोलेज किया कि नहीं किया वो हमको नहीं पता, बट हमारे यहां से जो काम होना चाहिए था वो काम हो चुका है, बोले, बराबर है। तो ध्यान से पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6, यानी कि सब सेक्शन नंबर 4, 5 और 6
उसमें जहां जहां पे वर्ड रजिस्ट्रेशन यूज किया गया होगा उसको हटा के क्या वर्ड यूज करना है बेटा, फाइलिंग वर्ड जो है उसको वहां पे यूज अपने को करना है। ठीक है, बोले ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में सब सेक्शन 7 जो है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आप बोलोगे सर ये क्या था, कैसे था, जरा बताएंगे क्या? तो अब ये ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पे बात इसके बारे में कर लेते हैं। यहां पे आपका सेक्शन नंबर जो है वो है 26। उप्स, सेक्शन नंबर जो है वो है आपका 26। दैट इज मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसमें तीन छोड़ दीजिए, ये देखिए 4, 5 और 6, ये मैंने जानबूझ के पुराने वाला यहां पे लिया है ताकि आप ये देख सको कि कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां देखना पड़ेगा। अब देखिए तीसरे वाली लाइन में, हालांकि मैं यहां कुछ नोट तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ये दूसरा कुछ ऐप है, यानी कि लिखा हुआ है रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन वर्ड की जगह पे क्या यूज करना अपने को, फॉर फाइलिंग। 5 में भी जहां पे भी रजिस्ट्रेशन लिखा होगा वहां पे फाइलिंग आएगा, और 6 में भी वही आएगा। 7वां पॉइंट जिसको हटा दिया गया, 7th वाला सब सेक्शन जिसको हटा दिया गया है, वो देखना जरूरी है कि आखिर कौन सा पॉइंट यहां से हट गया। ध्यान से, द रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस अनलेस द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रजिस्ट्रेशन आर कंप्लाइड विद एंड द प्रोस्पेक्टस इज अकॉम्पेन्ड बाय द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ ऑल द पर्सन्स नेम्ड इन द प्रोस्पेक्ट। अरे सर, जब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई तो ये फिर जो आपका सब सेक्शन है ये वैसे ही इनवैलिड हो गया, तो इसको कंप्लाई कैसे करेंगे फिर अपन? बराबर है, जब रजिस्ट्रेशन की जगह फाइलिंग वर्ड आपने यूज कर दिया तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं रहा ना सर। बराबर है, इसीलिए ये जो आपका सब सेक्शन 7 है इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। कब से किया गया बेटा ये? 15 अगस्त 2019 से ऐसा किया गया। ये समझ में आया बेटा आपको? क्लियर है, डन। चलिए, तो ये सीधी सीधी बात यहां पे हुई सेक्शन नंबर 26 के अंदर। इसका क्रक्ष मैं यहां पे अगर आप कहते हो तो लिख देता हूं आपके लिए सीधा सीधा, क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन की जगह फाइलिंग वर्ड यूज करना है। कहां कहां पे? सब सेक्शन 4, 5, 6 में। बराबर है, और सब सेक्शन 7 जो है वो क्या हो गया, सीधा सीधा ओमिटेड हो गया, उसको इग्नोर ही कर देना, बोले छोड़ दो उसको। ठीक है, डन। फिर आता है अगला पॉइंट, दैट इज द सेक्शन नंबर 29। ठीक है, दोनों के बारे में देखिए मैंने यहां लिख दिया है कब से एप्लीकेबल है, 15 अगस्त 2019 से एप्लीकेबल है, तो ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, सेक्शन नंबर 29 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट क्या कहता है, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन द डीमैट फॉर्म। अब इसमें छोटा सा चेंज यहां पर किया गया है। सर क्या है चेंज, ये देखिए यहां पर क्या कहता है सर, बोले अगर आप सेक्शन 29 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर बी की बात करते हैं तो उसमें से बोले पब्लिक वर्ड को हटा दो। अब आपका सवाल आएगा सर ये सब सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में पब्लिक वर्ड कहां यूज किया हुआ है, तो अच्छे से यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन करते बेटा। ठीक है, सेक्शन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। ठीक है, पुराना प्रोविजन जैसा लिखा हुआ था, सब सेक्शन 1 क्या कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, क्लॉज नंबर बी, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनीज। तो अभी क्या बोलता है, इसमें से पब्लिक वर्ड हटा दो, सिर्फ क्या रखो, कंपनीज रखो। ठीक है, ध्यान से, सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 1 नॉट विल स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एवरी कंपनी मेकिंग द पब्लिक ऑफर ये वैसा ही रखना है, एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज लिखा हुआ था उसके जगह सिर्फ वर्ड क्या आएगा, कंपनीज।
मतलब पहले ये बात जो है ये पब्लिक कंपनीज के लिए हुआ करती थी, अब कह सकते हैं कि सारी कंपनीज के लिए हो गई। बराबर है, क्या करना होगा, शेल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन द डिमैट फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। गॉट इट? तो यहां सिंपल आपको समझ में आया होगा क्या कह रहा हूं मैं। सिंपल तरीके से आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यहां से ये जो पब्लिक वर्ड है इस वर्ड को हटाना है, यानी कि अब ये प्रोविजन जो है वो हर कंपनी के ऊपर क्या हो गया है, एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है सर, फिर उसके बाद आगे सुनो, सब बोले सबसेक्शन वन के बाद में एक और सबसेक्शन ऐड करने का है जो कि रहेगा आपका वन। सर इसमें क्या बोले, इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, ये किस कंपनीज के बारे में बात करी, अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन डिमैट फॉर्म इन द मैनर लेड डाउन इन द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। यानी कि सीधी सीधी बात, यहां पे अगर आप पहली पॉइंट की बात करोगे तो कहा गया है कि ऑल कंपनीज शैल इशू शेयर्स इन डिमैट फॉर्म। बराबर है, और फिर उसके बाद में यहां 1A में नया जो यहां पे इंसर्ट किया गया, कहा गया है कि इवन अगर आपकी जो कंपनी है वो काइंड ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है। अभी ध्यान से बेटा, अनलिस्टेड कंपनी जो है वो तो प्राइवेट भी हो सकती है, वो तो पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। सबको बोल दिया गया, क्लेरिफिकेशन दे दिया गया, भले ही आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं भी होगी, यानी कि अनलिस्टेड वाली कंपनी होगी, उसके बावजूद आपको ये प्रोविजन जो है उसको क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये कहा गया है सेक्शन नंबर 29 के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 के बारे में। सेक्शन नंबर 35 अगेन कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस से जुड़ा हुआ ही है। याद कीजिए, अगर आपको ध्यान होगा तो कहा गया था क्या कि प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कंपनी का एक फेस होता है जिसमें सारे के सारे काम जो है वो लिखे हुए रहते हैं। 400-500 पेज से लेके 800-900 पेजेस तक का प्रोस्पेक्टस जो है वो रहता है। बोले हाँ जी सर। और उसमें सीधी एक बात कही गई थी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे, एज वेल एज अगर कोई इंटरमीडियरी होगा, मर्चेंट बैंकर की बात कर लीजिए, अंडरराइटर की बात कर लीजिए, बैंकर टू इशू की बात कर लीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह, उनसे भी कहा गया क्या कि प्रोस्पेक्टस में किसी भी टाइप का कोई मिसस्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे केस में आपको भी फटकार पड़ सकती है और आपकी लायबिलिटी भी आ सकती है। और लायबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, पहला चूंकि आपने झूठ बोला तो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, क्राइम किया आपने, दूसरा आपके झूठ बोलने की वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसने बिना मतलब में पैसा लगा दिया जो कि शायद वो नहीं लगाता अगर उसको सच पता होता तो, राइट? तो उसके संदर्भ में कौन सी लायबिलिटी आ सकती है बेटा, सिविल लायबिलिटी जो है वो आ सकती है। तो इसके मामले में सेक्शन 35 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं सर, जहां पे वर्ड लिखा हुआ था क्या रजिस्ट्रेशन, वहां पे वर्ड क्या आ चुका है, फाइलिंग ऑफ द कॉपी। जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसा ही पॉइंट यहां पे भी है, रजिस्ट्रेशन की जगह पे सीधा क्या आप यूज करोगे, फाइलिंग। चूंकि आपका जो सेक्शन नंबर कौन सा था बेटा 26, उसमें जो चेंज आया उसकी वजह से यहां पे भी ये चेंज आ गया 35 में, बाकी और कुछ भी नहीं। ये समझ में आया बेटा, क्लियर है, डन। चलिए फिर उसके बाद में आगे अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 53, 64, 77, ठीक है, और फिर उसके बाद में 86, 87। सेक्शन नंबर 77 से 87 की बात करोगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात करता है, राइट? तो इसके बारे में भी जो अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, कब से बेटा, आपके 2 नवंबर 2018 से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुके हैं। ठीक है, और उसका वीडियो जो है वो भी अपन बना चुके हैं, अगर आपको नहीं मिला होगा तो अगेन यहां पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे आप सीधा क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, डन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज पॉइंट नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 90।
90 नंबर का सेक्शन, ठीक है, 90 नंबर का सेक्शन सर 87 तक जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, फिर उसके बाद में 88 से आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में, राइट, तो उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं वो पॉइंट है सेक्शन नंबर 90, ठीक है। क्या कहता है सर, बोले उसमें सेक्शन नंबर 4 के बाद में एक नया सेक्शन आपको ऐड करने का है 4A, ठीक है, उसमें क्या लिखना है बोले, ध्यान से, एवरी कंपनी शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल हु इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर SBO इन रिलेशन टू द कंपनी एंड रिक्वायर हिम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। सर SBO के बारे में तो पहले भी एक पॉइंट जो है वो आपका कहीं ना कहीं दिया हुआ था सर, SBO के बारे में तो पूरी कहानी जो है वो अपने पड़ी हुई, लेकिन यहां एक एडिशनल पॉइंट बोला गया है क्या कि सर एक बार बोले चेक कर लो आप खुद से, हो सकता है कि सामने वाला मुंह उठा के ना आए, हो सकता है सामने वाला ये ना कहे कि मैं कंपनी में SBO हूं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जिसको कि बेन वन वगैरह जो है वो सब फाइल करना पड़ता है, शायद वो ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेगी ये पता करने के लिए कि कौन बंदा कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि कंपनी के ऊपर यहां एक लायबिलिटी दी गई है कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा और उसको रजिस्टर जो है वो करवाना पड़ेगा SBO के तौर पर, गॉट इट, डन। 9 की बात अगर आप करोगे तो कब का आ चुका है ये, 2 नवंबर 2018 का आ चुका है, और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे पूरी कहानी जो है वो अपन ऑलरेडी अमेंडमेंट के जरिए कवर कर चुके हैं, अंडरस्टूड, डन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 90 में सब सेक्शन नहीं सॉरी हाँ सेक्शन नंबर 90 में सब सेक्शन आया है 9A, बराबर है। ये क्या कहते हैं, CG में मेक द रूल्स फॉर द पर्पस फॉर दिस सेक्शन, हाँ ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब नए वाली चीज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो MCA डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज को लेके क्या कर सकता है, रूल बना सकता है, कोई नई चीज नहीं। फिर उसके बाद में सब सेक्शन नंबर 11 जो है उसमें भी कुछ चेंज आया, क्या कहता है, आफ्टर द वर्ड सब सेक्शन 4 आपको 4A जो है सॉरी फिगर एंड द लेटर और रिक्वायर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अंडर सब सेक्शन 4A जो है वो भी इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि 4A आया उसकी वजह से 11 में भी क्या आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया, समझ में आया चेंज क्यों आया, जहां पे 4 था बोले पहले 4 के हिसाब से ही काम होता था, अब चूंकि 4A भी ऐड कर दिया जिसमें कंपनी को नेसेसरी स्टेप्स लेने की बात करी गई है, तो वही वाली चीज आपको यहां पे भी क्या करनी है, ऐड कर देनी है, गॉट इट। फिर 92 102 105 117 और 121 और हां बस ठीक है 121 तक, यानी कि ये पूरा ही पेज जो है कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके लास्ट तक, ये पूरा अर्लियर प्रोविजन में कवर हो चुका है जो कि दिसंबर 19 के लिए अमेंडमेंट्स में था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज सेक्शन नंबर 132। जैसे सेक्शन नंबर 132 की बात आती है दिमाग में एक ही चीज फुदकता है, क्या, NFRA नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बराबर है, ठीक है सर। इसमें क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी एक नया सबसेक्शन जो है वो एड किया गया है, 1 के बाद में 1A आया। इसमें क्या कहता है कि नफरा शेल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिवीजन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, नफरा का काम करने के लिए एक डिवीजन जो है वो यहां पे बनाने की बात करी गई। फिर उसके बाद में सब सेक्शन 3 के बाद में एक और सब सेक्शन एड किया गया है, दैट इज 3A, और एक और किया गया है, दैट इज 3B। क्या कहता है, ध्यान से, ईच डिविजन ऑफ नफरा शेल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन और अ फुल टाइम मेंबर ऑथराइज बाय द चेयरपर्सन। मतलब ध्यान से, क्या नफरा जो है अपना काम करने के लिए डिविजन क्रिएट कर सकता है और उसी डिविजन के थ्री अपने अलग अलग फंक्शंस को निभा सकता है, ठीक है, और जो भी डिविजन क्रिएट होगा उसमें जो हेड रहेगा वो या तो चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट होगा, और या फिर अगर चेयरपर्सन कहता है कि सॉरी मैं कोई दूसरे काम में बिजी हूं तो वो किसी और फुल टाइम मेंबर को ऑथराइज कर सकता है, क्या करने के लिए बेटा,
टू प्रिसाइड ओवर द ओवर प्रिसाइड करने के, यानी कि उस पैरालिसिस को चलाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद थ्री बी क्या कहता है, देयर शेल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द नफरा कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स ऑफ सच ऑथोरिटी फॉर अफेक्टिंग सॉरी एफिशियंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर सबसेक्शन टू। मतलब सीधी सीधी बात अगर मैं यहां पे करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहना चाहता है कि डिविजन ऑफ नफरा शैल बी क्रिएटेड, ठीक है। और अगर मैं इस डिविजन के प्रेसिडिंग ऑफिसर की बात करूं, ठीक है, कुछ लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, अगर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात बोलूं तो कहा गया है कि या तो जो चेयर पर्सन होगा वो प्रिसाइड करेगा, और या फिर एनी अदर फुल टाइम मेंबर, ठीक है। लेकिन एक मिनट, जो फुल टाइम मेंबर है वो ऐसा नहीं कि खुद से जाके चेयर पे बैठ गया, उसको क्या रहेगा बेटा, ऑथराइज्ड बाय चेयरमैन। उसको कौन ऑथराइज करेगा, चेयरमैन जो है या चेयरपर्सन जो है वो उसको ऑथराइज करेगा। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में जो 3B यहां पे बोलता है वो बोलता है क्या कि नफरा की क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, देयर शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ नफरा नफरा टू डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज को साइड में लगता हूं, टू डिस्चार्ज वेरियस फंक्शंस, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस को क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। और इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर अगर मैं लोगों की बात करूं कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तो दो लोगों की बात करी गई है, ठीक है, एक रहेगा आपका चेयरपर्सन और दूसरे कौन होंगे बेटा, फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये फुल टाइम मेंबर्स जो है वो कितने होने चाहिए, सॉरी फुल टाइम मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को यहां पे नफरा रूल्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, नफरा के जो रूल्स हैं वो अपने को यहां पे देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में नफरा वाला ही पॉइंट चल रहा है, यानी कि सेक्शन नंबर 135 ही चल रहा है, उसके अंदर बोले सब सेक्शन दिया गया है 4, ठीक है, उसमें क्लॉज दिया गया है सी, और उसके अंदर एक क्लॉज दिया गया है, सब क्लॉज बी दिया गया, ठीक है। द फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि पुराना, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है, बोले सर सेक्शन नंबर 135 में सब सेक्शन 4 के अंदर जो क्लॉज नंबर ए है उसका जो क्लॉज नंबर बी है उस क्लॉज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर क्या डाला वहां पे, देखते ध्यान से, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर और अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट और द बॉडी कॉर्पोरेट एंड परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 247। सर कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या करते हैं, लेट्स गो टू द बेयर एक्ट, इसमें जाके सेक्शन नंबर जो है वो है आपका कौन सा 132 था क्या, हाँ सॉरी 132, हाँ जी। अब 2 में आपका ये 4, ठीक है, किसकी बात करता है, ये ध्यान से देखिए आप साइड में जो दिया हुआ है, Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the NAFRA shall, ठीक है, NAFRA क्या क्या करेगा, NAFRA have the power to investigate either suo motu or on the reference made to it
बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। बी क्या कहता है? बी कहता है हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाइल ट्राइंग अ सूट। नहीं, सी वाले में, यहां वाला वापस से देखते एक बार कहां पे क्या चेंज है। क्या बोला? यहां पे देखेंगे ध्यान से, बोले सब सेक्शन नंबर चार में, यानी कि सेक्शन नंबर 132 के सब सेक्शन फोर में क्लॉज नंबर सी में जो बी है, सॉरी माय मिस्टेक, वापस से चार में क्लॉज नंबर सी, क्लॉज नंबर सी क्या कहता है? वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड हैव द पावर टू मेक ऑर्डर फॉर, पहला इंपोजिंग पेनल्टी ऑफ, दूसरा डिबारिंग द मेंबर ऑफ फर्म। ठीक है, यानी कि अगर यहां देखोगे तो सीधा सीधा समझ में आता है कि अगर नफरा किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा है और वहां पे अगर पता चलता है कि किसी टाइप का मिसकंडक्ट हुआ है या फिर ऑडिट वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो क्या है उसके पास में? पावर है टू मेक ऑर्डर फॉर। बी वाला पॉइंट क्या कहता है? डिबारिंग द मेंबर और द फर्म फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ और इटसेल्फ फ्रॉम द प्रैक्टिस एज मेंबर ऑफ द आईसीएआई एज पर दिस दिस इज फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months और एज द केस में भी। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है ध्यान से, यहां पे क्या कहता है? कहता है डिबारिंग द मेंबर और द फर्म। पहले सिंपली लिखा हुआ था कि आप बोले प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब दो पॉइंट देता है। क्या? सबसे पहला कहता है कि यू विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अगर बोले मिसकंडक्ट करते हुए मिले तो आप ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं होंगे, ना ही इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो सकते। एज वेल एज यू कैन नॉट अंडरटेक एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस और एंड एक्टिविटी ऑफ एनी कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। वहां सिंपली डिबारिंग के बारे में बात की हुई थी, यहां पे और डिटेल में बता दिया कि सर क्या क्या नहीं कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। गॉट इट? ठीक है सर। और अरे बापरे, वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते बोले आप? ऑडिट करना तो बोले बाढ़ में गया, क्या नहीं कर सकते? वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है? आपको डिबार किया जा रहा है, डिबारिंग द मेंबर और द फर्म फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ और इटसेल्फ फ्रॉम प्रैक्टिस। आप बोले आईसीएआई के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताइए, क्या इंटरनल ऑडिटर होने के लिए मुझे सीए होना जरूरी है? आंसर इज नो, यानी कि मैं इंटरनल ऑडिट का काम कर सकता था। दूसरा सर, क्या वैल्यूएशन का एग्जाम जो है, वैल्यूएशन ऑफिसर का जो एग्जाम है वो देने के लिए सीए होना जरूरी है? आंसर इज अगेन नो। तो लूप होल्स का काइंड ऑफ फायदा जो है वो उठाने की कोशिश यहां पे हो सकती थी। तो अभी सीधा क्लियर कर दिया गया। देखो भाई साहब, बोले आप ऑडिट नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, बराबर है। तीसरा बोले वैल्यूएशन का भी जो काम होता है, भले ही उसके लिए सीए की डिग्री होना जरूरी हो या ना, वो भी बोले आप यहां पे कर नहीं सकते। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे आ जाती है। ठीक है, तो ये बात यहां पे सिंपली बोली गई है, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने का बार यहां पे किया हुआ है, और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years एज मे बी डिटरमाइंड बाय द नफरा। नफरा आपको यहां पे ये चीज बता देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके बारे में भी आपको साइड में लिख के दे देता हूं। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ध्यान से सब बोले सेक्शन नंबर 132 सब सेक्शन 4 क्लॉज सी, इसके अंदर जो बोले क्लॉज ए में लिखा था, ठीक है, इट इज सेम एज अर्लियर, राइट। लेकिन जो बात क्लॉज बी में लिखी हुई है, जो बात कहां लिखी है बेटा? क्लॉज बी में लिखी है, उसमें यह कहा गया है क्या कि अगर आप मिसकंडक्ट करते हुए मिले, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं लेमैन में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बाजू में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोलता है? इफ
फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। तो बोले ऐसे केस में, ऐसे केस में दो काम होंगे, क्या? सबसे पहला काम तिबाड डिबार्ड फ्रॉम डूइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट एज वेल एज इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ये नहीं कर सकते एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरा यहां लिख देता हूं, क्या नहीं कर सकते बेटा? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन रिलेटेड वर्क जो है वो भी आप नहीं कर सकते। अब आपका सवाल आएगा सर कब तक नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या दिया गया है? मिनिमम सिक्स मंथ्स, ठीक है, एक मिनट, मैक्सिमम 10 ईयर्स बोला हुआ था, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स और सच हायर पीरियड नॉट एक्सेडिंग 10 ईयर्स, ठीक है। या फिर सीधा सीधा बोलते हैं कि ये आप नहीं कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स बट अप टू 10 ईयर्स एज नफरा में प्रिस्क्राइब, ठीक है, नफरा की मर्जी है, जैसा वो बोलना चाहे वैसा यहां पे बोल सकती है। गॉट इट? इसका फोटो वोटो लेना होगा तो फोटो ले लो, और अदरवाइज ये जो पेज है ये तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है, डन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सेक्शन नंबर 135 के बारे में, सॉरी 135 को कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारा CSR वाला पॉइंट है, ठीक है, CSR वाला पॉइंट। अच्छा, अब ये CSR वाले पॉइंट की बात अगर अपन करेंगे तो कब से आ गई ये? 19 सितंबर 2018 से आ गए, मतलब जून 19 के लिए एप्लीकेबल था और दिसंबर 19 के लिए भी एप्लीकेबल था, अंडरस्टूड। लेकिन एक सेकेंड, यहां बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी फिलहाल अगर मैं क्या बोलते हैं रिसेंट एग्जाम्स के लिए बात करूं तो जो आपके CSR रूल्स हैं, ठीक है, उसमें रूल्स नहीं, जो आपका शेड्यूल नंबर 7 है, शेड्यूल नंबर कौन सा? 7, जो कि बात करता है अबाउट द CSR एक्टिविटीज। किसकी बात करता है? CSR एक्टिविटीज की बात करता है। उसके अंदर पहले 8 पॉइंट्स होते थे, ठीक है, कि कहां कहां पे आप CSR एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी लिस्ट जो है वो वहां पे बनाई हुई थी। लेकिन अब एक 9th पॉइंट जो है उसको भी ऐड कर दिया गया है और कुछ नई नई चीजों को वहां पे ऐड किया गया। सर कौन सी है वो वाली चीजें? चलिए मैं आपको सीधा सीधा दिखाई देता हूं। शेड्यूल्स में अगर अपन जाएंगे और उसके अगर अपन 7th वाले में जाते हैं तो यहां तो दिया हुआ नहीं है शायद, किधर गया? ये रहा, मतलब फोन हाथ में लिया, लेते ही किसी का फोन आ गया। कैसे पढ़ा है इंसान, पढ़ा है तो, ठीक है। ये देखिए यहां पे आप अगर देखेंगे तो यहां पे ये 9th वाला पॉइंट बेटा, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो कर लीजिए, अदरवाइज सीधा सीधा आप यहां पे देख भी सकते हैं, नंबर मत देखिए। चलिए क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन? अच्छा मैं एक काम करता हूं ना, एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूं, अब कलो कॉल। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनक्यूबेटर्स, सर ये इनक्यूबेटर्स कौन होते हैं? सर जो स्टार्टअप को चलाने में हेल्प करते हैं वगैरह वगैरह, वो इनक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है, फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प कर सकते बोले, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में भी कर सकते हो, नेशनल लेबोरेटरीज एंड द ऑटोनोमस बॉडीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, फिर ICMR में भी कर सकते हो, फिर CSIR में भी कर सकते हो, DAE में भी कर सकते हो और DRDO. सीधा सीधा एक काम करेंगे, शेड्यूल नंबर 7 आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे 9th वाला पॉइंट जो है वो यहां पे थोड़ा सा चेंज्ड मिलेगा. इसमें अगर आप देख रहे होंगे 5 और 6 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंगेज इन कंडक्टिंग रिसर्च साइंस वगैरह वगैरह, ये सब में आपका चेंज जो है वो यहां पे किया गया है. गॉट इट? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा. चलिए, तो ये एक सिंपल सी बात यहां पे दी गई है. बाकी ये चूंकि पहले का अमेंडमेंट है तो इसके बारे में बात जो है वो तो पहले भी हो चुकी है, जहां पे फाइन पेनल्टी वाला जो पॉइंट था उसकी बात करी गई थी. देख लेते हैं एक बार ये कौन महानुभव है जो क्लास के बीच में हमें फोन किए जा रहा है. चलिए ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में. सर इसके बारे में भी क्या बात कर रही है? देखिए लास्ट तक सेकंड नवंबर. तो ये जो अमेंडमेंट है ये 2nd of November के हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में ये भी 2nd November 203 भी 2nd November का, 212 जो है ये है 15 August का. तो ये यहां तक के आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या आपके नोट्स में कवर्ड होगा, अगर नहीं है तो यहां से एक बार आप उसको देख लेंगे, ठीक है. अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में, जो कि है आपका सेक्शन नंबर कौन सा है? 212 वाला सेक्शन, ठीक है, जो कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है. और यहां अगर मैं 212 की बात करूं तो ये बात करता है अबाउट द इन्वेस्टिगेशन बाय स्फियो, ठीक है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आपका होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी बात यहां पे ये कर रहा है. उसमें क्या कहता है बेटा? उसमें कहता है कि सेक्शन नंबर 212 में जो आपका सबसेक्शन 8 दिया गया है, ठीक है, वहां पे फॉर द वर्ड्स इफ द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि ये पहले लिखा हुआ था, उसकी जगह पे क्या लिखना है? द वर्ड्स इफ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. सर इसका मतलब क्या हुआ? पहले दायरा थोड़ा सा था, 3 ही लोगों की बात की गई थी, राइट. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में आपने किसी बंदे को अपॉइंट किया, उसका कहीं पे भी पेपर पे नाम एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या डायरेक्टर नहीं है, ये भी नहीं है और असिस्टेंट डायरेक्टर भी नहीं लिखा, कुछ और ही नाम लिखा, बराबर है. तो पहले वो बंदा दायरे में नहीं आता था, उसको भी दायरे में ले, सीधा क्या बोला? बोले सर कोई भी बंदा होगा, कोई भी ऑफिसर है बोले, जो कंपनी में किसी भी नाम से काम कर रहा, लेकिन अगर आप उसके पोस्ट की बात करेंगे, उसके रैंक की बात करेंगे, तो बोले वो असिस्टेंट डायरेक्टर के बिलो का नहीं है, मतलब कि टॉप लेवल में ही आता है, बराबर है. तो उसको भी यहां पे लपेटे में लिया जा सकता है, ठीक है सर. फिर उसके बाद में अगर बोले सबसेक्शन 9 की बात करते हैं, फॉर द पोर्शन बिगिनिंग विद द वर्ड्स द डायरेक्टर एंड एंडिंग विद द वर्ड्स ब्रैकेट एंड फिगर सबसेक्शन 8 The words the officer authorized under subsection 8, मतलब वही, क्योंकि 8 में चेंज हुआ उसी वजह से 9 में भी यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है सर. फिर subsection 10 में for the words judicial magistrate, the words special court or the judicial magistrate shall be substituted. इसका मतलब understood वाली चीज है, पहले जो केस था वो judicial magistrate के पास जाता था, मे बी GMFC लगा लीजिए या GMSC लगा लीजिए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और एज द केस में भी. लेकिन अब बोले कंपनीज एक्ट के अंडर अलग से कोर्ट जो है वो बनाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया? स्पेशल कोर्ट. क्यों बनाया गया होगा? स्पीडी डिस्पोजल के लिए, फटाफट जो केस है वो रिजोल्व हो जाए उसके लिए बनाया गया होगा.
तो अब जो केस है वो दोनों के पास जा सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है, और कहां जा सकता है बेटा आपका, स्पेशल कोर्ट के पास भी, ठीक है। और सेम ऐसा ही अगर पॉइंट नंबर टू देखेंगे तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट कोर्ट की जगह पे स्पेशल कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, दोनों आकर। फिर उसके बाद एक नया सब सेक्शन जो है उसको ऐड किया गया है, दैट इज अ 14A। ये क्या कहता है, वेयर द रिपोर्ट, सीधा सीधा पढ़ेंगे इसको आप कट कर दो, ठीक है। वेयर द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाई गई होगी इन्वेस्टिगेशन के मामले में, states that the fraud has taken place in a company, कंपनी में क्या हुआ है, बोले फ्रॉड हुआ है, एंड उसकी वजह से एनी डायरेक्टर, KMP, अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी और एनी अदर पर्सन और एंटिटी हैज टेकन अनड्यू एडवांटेज और बेनिफिट। अगर किसी भी कंपनी के ऑफिसर ने उसका क्या लिया है, अनड्यू एडवांटेज लिया है, whether in form of any asset, property वगैरह वगैरह वगैरह, the CG may file an application before the tribunal, NCLT के पास में एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है फॉर द appropriate orders विथ regard टू disgorgement ऑफ सच assets, मतलब वो जो assets वगैरह लेके गया है उसको वापस लेने के लिए, उसको disgorge करने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ liability। गॉट इट, यानी कि कितने भी रुपए की liability हो सकती है, कितने भी रुपए का उसने घोटाला किया होगा, सबके लिए disgorgement का ऑर्डर जो है वो लिया जा सकता है। तो अभी अगर मैं इसका क्रक्ष यहां पे लिखूं तो सबसे पहला यहां पे आते हैं, सेक्शन कौन सा चल रहा है बेटा अपने यहां पे, 212, ठीक है। तो अगर सेक्शन 212 की बात की जाए, सबसे पहली बात डिफॉल्टर ऑफिसर्स का स्कोप नहीं बोलना चाहिए यार, दायरा बोलना चाहिए, दायरा, ठीक है, दायरा बढ़ा दिया, दायरा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या होता था, बोले पहले पहले सिर्फ डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, पहले सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन अब, ठीक है, अब बोले अगर बात की जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोले एनी ऑफिसर ऑफ रैंक इक्वल टू और अबव of assistant director, AC चला लेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, पसीने छूटे पसीने पूरे, ठीक है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर तक, ये सीधे सीधे यहां पे पहले पॉइंट में बोल दिया गया। फिर उसके बाद में कहता है कि यहां फ्रॉड के केसेस को स्पीडी डिस्पोजल के लिए, फ्रॉड के केसेस को स्पीडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या किया, स्पेशल कोर्ट्स बनाए, ठीक है, स्पेशल कोर्ट जो है उनको लागू कर दिया। और फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट क्या आता है, दैट इफ एनी डायरेक्टर, KMP और ऑफिसर, ठीक है, गेंड रॉन्ग एडवांटेज From fraud in company, ठीक है, fraud in company, in that case, central government may
अप्लाई टू एनसीएलटी, सीजी जो है वो एनसीएलटी के पास में जा सकता है टू पास ऑर्डर, जैसा आपको सही लगे, आप अपने हिसाब से देखो बोले, बट टू पास ऑर्डर फॉर डिसगॉर्जमेंट ऑफ सच एडवांटेज और प्रॉफिट, ठीक है। अब उसमें मतलब लंबा चौड़ा बोले एसेट्स के तौर पे लेके गया होगा, पैसे के तौर पे लेके गया होगा, वो सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रक्स की बात अगर की जाए तो सीधा सीधा ये आपका यहां पे क्रक्स बनता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। चलिए फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है 2 नवंबर 2018 का आया हुआ है, मतलब पहले ही हो चुका था, तो आप वहां से इसको प्रॉपरली रेफर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 241। साहेब सेक्शन नंबर 241 इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बराबर है। इससे जुड़े हुए भी कुछ चेंजेस जो है वो यहां सिंपल तरीके से लाए गए हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब लाए गए बेटा, 15 अगस्त 2019 को इनको यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। गॉट इट, ध्यान से देखेंगे, लंबे चौड़े हैं यहां पे, पूरा पेज लगभग इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर ध्यान से, बोले सर सबसेक्शन 2 जो है, द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, मतलब नई बात यहां पे इंसर्ट करी जा रही है, सब्स्टिट्यूट तो बोला नहीं, इंसर्ट करने की बात यहां पे करी, ठीक है। इंसर्टेड क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन अंडर दिस सबसेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी मेड बिफोर द प्रिंसिपल बैच ऑफ द ट्राइब्यूनल which shall be dealt by such bench, बराबर। अगर ऐसा कुछ होता है तो बोले एक बेंच जो है अलग से बनाने की बात यहां पे करी गई, और उसी से उसी वही उस चीज को क्या करेगी, सीधा सीधा डील करेगी। फिर उसके बाद में आफ्टर सबसेक्शन 2 फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, मतलब पहले दो ही सेक्शन हुआ करते थे शायद, और अब तीसरा और चौथा और पांचवा जो है वो भी यहां पर इंसर्ट कर दिया। क्या कहता है ध्यान से देखेंगे यहां पे, तीसरा क्या कहता है, बोले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टांसेस, अगर ऐसा कुछ यहां पे लगता है जो सजेस्ट करते हैं दैट एनी पर्सन कंसर्न्ड इन द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इज और हैज बीन इन कनेक्शन देयर विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड मिसप्रेजेंस परसिस्टेंट negligence or default in carrying out his obligation and functions under the law or the breach of trust, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कोई बंदा है जो कि ऐसे ऐसे चीजों में क्या है इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर द बिजनेस ऑफ कंपनी इज नॉट और हैज नॉट बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन एज पर द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, मतलब अल्टीमेटली वही काम हो गया भाई साहब, कंपनी में काम ढंग से नहीं हो रहा, ऑपरेशन हो रहा है या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, या फिर अ कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अ मैनर विच इज लाइकली टू कॉज और हैज कॉज्ड सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस टू विच सच कंपनी पर्टेन्स, मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात वही कर रहे, कंपनी में बोले या तो ढंग से काम नहीं हो रहा और या फिर कंपनी में काम हो रहा है बट लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा, बराबर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज व्हाट, द बिजनेस ऑफ कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर, मतलब कंपनी का काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया होगा जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ में धोखाधड़ी करी जाए, बराबर है। मेंबर्स और एनी अदर पर्सन, या तो क्रेडिटर्स के साथ में या मेंबर्स के साथ में या किसी और इंटरेस्टेड पर्सन के साथ फॉर द फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस और इन अ मैनर
प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी सीधी सीधी बात है भाई साहब, कंपनी का जो काम है अगर वो ढंग से नहीं हो रहा है, या कोई बंदा है जो कि उस पर्टिकुलर काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, जो जिम्मेदार है उसको सही तरीके से करने के लिए, बराबर है। तो सीजी जो है वो सीधा सीधा केस इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट सच पर्सन, समझ में आया? मतलब आपने कंपनी चालू कर ली और कंपनी, जैसे ही आपने कंपनी को चालू किया और काम आप कर रहे थे, तो बाद में आगे चल के जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी छानबीन के हिसाब से या नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या कि तुम्हारे इंस्पिरेशन विजय माल्या, वही मेरे रोल मॉडल है, बोले उन्हीं के पास पे चलना, बोले हमको, अगर ऐसा यहां पे पता चला तो आपके अगेंस्ट में केस इनिशिएट किया जा सकता है और उस केस को एनसीएलटी के पास रेफर किया जा सकता है विद अ रिक्वेस्ट दैट ट्राइब्यूनल में इंक्वायर इनटू द केस एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन एज टू वेदर और नॉट सच पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। गॉट इट, ये समझ में आया? बोले हां जी सर। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 4 क्या, जिसके अगेंस्ट में केस रेफर किया जा रहा है शेल बी ज्वाइंड एज रिस्पॉन्डेंट टू द एप्लीकेशन। बिल्कुल सर, सीधी सीधी बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पिटीशन फाइल कर रही है तो सामने वाला बंदा क्या होगा, रिस्पॉन्डेंट होगा, बराबर है। फिर पांचवा पॉइंट क्या कहता है, एवरी एप्लीकेशन शेल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ सच सर्कमस्टांसेस एंड मटीरियल्स एज द गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। मतलब आपको ये कैसे लगा, क्या चीज है, कौन से बेसिस पे आप ये बात बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, किस टाइप का मिसकंडक्ट आप बात यहां पे कर रहे हो, ठीक है। एंड शेल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर लेड डाउन इन द सीपीसी फॉर द सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लेंट इन द सूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोले होना चाहिए, बराबर है, एकदम सीधी सीधी बात यहां पे बोली हुई है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोला हुआ, सीधा सीधा अगर बोला जाए तो कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि किसी कंपनी का काम सही तरीके से नहीं हो रहा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है जो कि उस कंपनी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस कंपनी का एमडी हो सकता है, उस कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, उस कंपनी का केएमपी हो सकता है, एनी पर्सन, ही कैन बी एनी पर्सन, बराबर है। और वो बंदा अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा होगा या उसका कोई भी गलत इंटेंशन यहां पे होगा, ऐसा इंटेंशन जो कि पॉइंट ए बी सी और डी में दिया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पिटिशनर बनके, बराबर है, जनहित में पिटिशनर बनके एनसीएलटी के पास में केस रेफर कर सकता है और सामने वाले को रिस्पॉन्स देने के लिए, मतलब एनसीएलटी को बोल सकता है कि सर आप देखिए आपके हिसाब से इंक्वायरी कीजिए कि मैं कितना सही हूं यहां पे इस चीज को लेके, आप देखिए बोले आपके हिसाब से, मतलब मैं तो आपको ऑर्डर नहीं कर सकता कि नहीं आपको ये केस करना पड़ेगा और उस बंदे को सजा देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ तो भी इनिशिएट करने की बात यहां पे करेगी, ठीक है, डन। बस ये है, साथ में बोला गया कि एप्लीकेशन में आपको ये दो बातें जो है वो ध्यान देनी होगी, सर्कमस्टांसेस पूरे बताने होंगे प्लस सीपीसी के हिसाब से जो साइनिंग वगैरह के प्रोविजन दिए हुए हैं उनको कंप्लाई करके चीजें आपको करनी रहेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन नंबर 242 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, ठीक है, उसमें एक सब सेक्शन 4A जो है वो यहां पे सीधा सीधा इंसर्ट कर दिया गया, क्या है, एट द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग ऑफ द केस, जो कि सब सेक्शन 3 ऑफ 241 के हिसाब से होगा, ट्राइब्यूनल शैल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन स्टेटिंग देयर इन स्पेसिफिकली एज टू वेदर और नॉट द रेस्पॉन्डेंट इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। मतलब वो उसके हिसाब से ऑर्डर पास करेगा, अकॉर्डिंगली सेक्शन 241 242 में क्या हुआ है, चेंज लाए गए, बराबर है, डन। तो ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर अपने को रुकना चाहिए, एक घंटा हो चुका है और अमेंडमेंट्स थोड़े से और बचे हैं, फ्रेंकली बोलूँ तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन के रूल्स है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो DRR आपने सुना होगा,
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो आपका होता है उसमें कुछ चेंजेस हैं, और उसके अलावा यहां पे आप देखोगे, ये तो मैं वैसे भी डाल ही रहा हूं, सेक्शन 243, 241, 242, 243 यहां पे सीधा कंटिन्यू हो रहा है। ये एक काम करेंगे, इसको कर लेंगे अपन 242 को, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब बीच में कहीं पे भी रुक गए अपन, ठीक है। इसमें भी एक सबसेक्शन 1A जो है उसको डाला गया, 1B जो है उसको भी यहां पे डाला जा रहा है। क्या कहता है बेटा, ये भी उससे जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, द पर्सन इज नॉट ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन, सेक्शन 241 के हिसाब से केस फाइल हुआ, सेक्शन 242 के 4A के हिसाब से एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब यहां सेक्शन 243 का सबसेक्शन 1A कहता है क्या, कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि फिट एंड प्रॉपर नहीं है, ही शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब अगर आप डिफॉल्टर निकले तो 5 साल के लिए आप उस कंपनी में किसी भी टाइप का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ डायरेक्टर का नहीं, किसी भी टाइप का ऑफिस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सीजी में विथ परमिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, लीव का मतलब यहां पे क्या है, परमिशन, परमिट्स सच पर्सन टू होल्ड एनी सच ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 5 years। अगर ऐसा कुछ आप लेना भी चाहते हो जिसमें आप ये कंफर्म कर सकते हो कि सर नहीं आगे बोले मैं ऐसा कोई फ्रॉड नहीं करने वाला हूं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट, सीजी के पास भी ऐसी अथॉरिटी नहीं, हाँ हाँ ठीक है जा जा कर ले, नहीं, सीजी किसकी परमिशन लेगा, एनसीएलटी की परमिशन लेगा। क्यों? अरे कॉमन सेंस की बात है, पहले सीजी ने एनसीएलटी को बोला सर ये ना फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं, इस पे बैन लगाओ। फिर उसके बाद में सीजी के पास में आता, सर प्लीज अलाउ कर दो ना सर, मैं अगली बार नहीं करूंगा सर, पक्का पक्का पक्का, सीजी ने अलाउ कर दिया। सर नहीं, आपको पहले एनसीएलटी को ये कंफर्मेशन देना होगा कि सर इसके बारे में पूरी इंक्वायरी वगैरह करी, हमको लगता है कि आप ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सोएनसो ऑफिस होल्ड करने के लिए अलाउ कर दूं क्या, ठीक है, वो आप यहां पे करेंगे। और फिर 1B क्या कहता है, Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, मतलब कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी कुछ लिखा होगा, और एनी अदर लॉ, या किसी भी और लॉ में कुछ भी लिखा होगा, फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, और एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होगा और मेमोरेंडम में वगैरह 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 वगैरह, क्या कहता है, ऑन द रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड with the management of the affairs of company, that person shall not be entitled to or be paid any compensation for the loss of termination of office. बराबर सर, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 5 साल के लिए सैलरी मिलेगी, लिखा होगा, बोला ना, अरे पूरे कंट्री में किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा होगा, भले ही वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, सब किसी में भी कुछ भी लिखा होगा, अगर ये बंदे ने मिसकंडक्ट किया है, अगर ये बंदे ने मिसकंडक्ट किया है, तो उसको इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 2 आफ्टर द वर्ड ब्रैकेट सबसेक्शन 1, द वर्ड ब्रैकेट फिगर एंड द लेटर और सबसेक्शन 1A शैल बी इंसर्टेड, ये तो सीधी सीधी बात होगी, जो वहां का प्रोविजन है वो यहां पर इंसर्ट कर देना चाहिए। गॉट द पॉइंट, दैट्स इट, यहां पर रुकते हैं, मिलते हैं कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स के पार्ट 2 में किसी दूसरे वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।